नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। मैं मजहर खान आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी यहां हम खड़े हैं गैरेज रोड में। गैरेज रोड है ये भिलाई का एक प्रसिद्ध एक मार्ग है, वहां पर हम खड़े हैं और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भिलाई में जो स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो कचरा बाहर निकाला जाता है, जो कचड़े को साफ करके निकाला जाता है, उस कचड़े को यहाँ पर डंप कर दिया जाता है रोड के किनारे। ये रोड के किनारे डंप करने से यहाँ पर लोगों को, आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उनको कई बार बदबू आती है उन लोगों को, और कई बार तो दिखने में इतना अभद्र और ख़राब लगता है कि आपको क्या बताएं। क्योंकि भिलाई को पूरे भारत में 60वां स्थान मिला है स्वच्छ शहर के नाम पर। स्वच्छ भारत मिशन का जो एक सर्वे हुआ था उसमें 60वां स्थान मिला है, ठीक है। तो उस 60वें स्थान को बरकरार रखने के लिए इस तरीके से हम लोगों को बनाना, अपने भिलाई को स्वच्छ रखने का और ग्रीन रखने का हमारा संकल्प है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से कचड़े को डंप कर दिया जाता है, वो भी सीधे के तौर पे आप देख सकते हैं ये कहाँ डंप किया जा रहा है, सड़क के किनारे। आइए अब और भी जगह है, बहुत सारे जो जगह है मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर कचड़ा को डंप कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो सड़क है उस सड़क में पानी जम जाता है, वहाँ गंदगी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए दोस्तों मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हम लोग खड़े हैं सेक्टर 8 के जो नायर समाजम स्कूल है, वहाँ से आने का जो रास्ता है, मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा दिखाने के लिए। ये रास्ता है उसके सामने से, सामने में जस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कचरा डंप करके रखा गया है। और यहाँ पर कुछ पेड़ हैं उनको भी नुकसान हुआ है, और ये कचड़े को जब डालने के बाद इसमें आग भी लगा दिया जाता है क्योंकि जहरीली प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जलती हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। और यहाँ कितना कचड़ा आप देख सकते हैं, बारिश में आपको देखकर ही अभद्र लग रहा होगा। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो कचड़ा डंप है ये कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जस्ट सेक्टर 7 और नेहरू नगर का जो ब्रिज बना हुआ है आप देखेंगे, यहाँ पीछे मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा पीछे में दिखाएंगे। ये जो दो ब्रिज बना, अंडर भी जब वो ब्रिज बना है उसी के जस्ट थोड़ा दूर में है ये कचड़ा। और कितना गंदा कचड़ा है और कितना अजीब सा यहाँ पर देखने से ही लग रहा है, आप देख लिए, खुद ही देखिए। यहाँ पानी भी जम रहा है, मच्छर भी जमेंगे और गंदगी भी होगा, बीमारी भी फैलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे और भी है इसके नज़ारे आपको। दोस्तों इसी कड़ी में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो कचड़ा का अंबार जो लगा है, ये अंबार जो लगा है महाराणा प्रताप चौक के थोड़ा सा दूर में आपको कचड़े का अंबार दिखेगा आपको गैरेज रोड में। ये यहाँ पर दिखेगा, ऐसे ही आप और आगे जाएंगे तो आपको सेक्टर 1 के पास में, प्रियदर्शनी नगर के पास में आपको ऐसे कचड़े के अंबार बहुत सारे नज़र आएंगे, दिखेंगे। और ये जो कचड़ा है इसका कुछ ना कुछ समाधान प्रशासन को भी करना चाहिए, प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि इसको किस तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। ये इतना अभद्र दिखता है और इस तरीके से गंदगी है, क्योंकि हमारे जो भिलाई शहर है, जो स्वच्छ शहर है, जिसका नाम है, तो उसको लगातार अवार्ड मिलते रहे हैं। इसमें जो तीन सड़कें जो मेन सड़कें हैं उसमें ये गैरेज रोड है, फिर पंडित रविशंकर रोड है, और उसके बाद एक और रोड है जो सबसे लास्ट में है। वो दोनों रोड जो आप देखेंगे वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन यही रोड है जो कि दुर्ग से आता है, जो मेन रोड है जो दुर्ग को जोड़ता है, उसमें इतनी गंदगी है आप देख कर हम मन बहुत ख़राब हो जाता है। और जो प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें लेना चाहिए। और ये जो हम सेगमेंट्स चला रहे हैं अपनी गूंज न्यूज़ में कि ये जो शहरी हलचल, मतलब शहर में जो भी हलचल है उसका एक नया सेगमेंट चला रहे हैं, लगातार इस तरीके की वीडियो हम लाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने कैमरामैन साथी शिव कुमार सिंह के साथ, मैं मजहर खान, धन्यवाद।